डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गर्मी दानों का, और एक मिसकंसेप्शन है कि चेहरे पे जो गर्मियों में दाने निकलते हैं, क्या वो गर्मी दाने ही होते हैं या वो कुछ और होता है? वो कुछ और भी हो सकते हैं, गर्मी दाने भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो है वो फंगल एक्ने भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स कि किस तरह के हैं। अगर उसके अंदर इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, तो एक कंडीशन होती है रोजाशिया, जिसके बारे में आई थिंक हम लोग काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं। तो वो उसके बारे में लोग अनअवेयर होते हैं, इतना पता नहीं होता, तो वो उसको मिला रहे होते हैं किसी और कंडीशन के साथ। सो वो इसलिए होती है, जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, या आप बाहर जा रहे हैं, आजकल गर्मी धूप बहुत है, तो जैसे ही वो हीट एक्सपोज होता है तो उसके अंदर इचिंग या बर्निंग की सेंसेशन शुरू हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है नो। तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर आप अपने स्किन के डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर वो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो वो ट्रीटेबल कंडीशन में बहुत अच्छे सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तहरीम ने कराची से पूछा है कि मैं मेरी शादी हुई है, शादी के बाद मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ, और इस बात को तकरीबन 4 माह का अरसा गुजर चुका है। कराची शिफ्ट होने के बाद मेरे बाल तेज़ी से गिर रहे हैं। जब पंजाब में थी तो उनके बाल अच्छी हेल्थ के थे, कराची आते ही डॉक्टर साहब इसकी वजह? यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, एक तो ये बहुत रीज़न होता है कि जब लोग पंजाब से यहाँ आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा यू नो हेयर फॉल फेस करने को मिलता है। दूसरा रीज़न ये कि यहाँ खारा पानी बहुत है। खारा पानी की वजह से? जी बिल्कुल, हार्ड वाटर है, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे टैंकर का पानी भी होता है, बट यू नो इट्स अ मिक्सचर, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। लेकिन हेयर फॉल के डिफरेंट और भी रीजंस होते हैं, जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, फिर अगर एक फीमेल है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री होती है, यू नो एक पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड तो नहीं है, लैक्टेशन फेज तो नहीं है, सो उसको बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उसको अकॉर्डिंग टू द यू नो ट्रीटमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मेन रीज़न ये है कि सब चीज़ें ठीक है, तो फिर दे शुड फोकस के उनको शैम्पू चेंज करना चाहिए, एक ऐसा शैम्पू रखें जो कि स्कैल्प के अंदर ऑयल को मॉइस्चर को कंट्रोल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अगर खारा पानी किसी के घर में आ रहा है, वो उसे शावर लेते हैं, तो कहते हैं कि आखिरी रिंस मिनरल वाटर से कर लें तो उसके असरात ज़ायल हो जाते हैं, ऐसा सही? मिनरल वाटर से आई गेस बेहतर है कि अगर आप मीठा प्योर पानी अरेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर तो मजबूरी ऑफ कोर्स। और एक घरेलू सा टोटका सा है कि अगर आप एक लेमन आप पानी के अंदर ऐड कर दें और लास्ट में जो एक मग होता है ना, वो आप डाल दें, तो उससे भी उसके असरात थोड़े से बैठ जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जो हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो वो आपके स्कैल्प के अंदर जमा हो जाता है। जब आप यूजुअली हम शावर लेके निकलते हैं, बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि इसकी डीप क्लेंजिंग के बाद भी अगर वो चीज़ें आपके यहाँ पे रह रही हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको इन्फेक्शन भी करता है, वो डैंड्रफ भी बनाता है, एंड देन फिर हेयर फॉल भी होता है। डॉक्टर अशोक, क्या रोज़ाना शैम्पू करने से बाल गिरते हैं? नो, इट्स जस्ट अ मिथ। देखिए, जिस तरह अम्मियाँ कहती हैं कि रोज़ पागल रोज़ शैम्पू, नहीं आपको डेली शैम्पू करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सारी आपकी जो अब हम मॉइस्चर की बात करें, कराची में तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेली शैम्पू करें, ताकि आपका मॉइस्चर कंट्रोल रहे और आपको डिफरेंट जो लड़कियाँ होती हैं वो ब्लो ड्राई करा के 2-3 दिन बाल शैम्पू नहीं छेड़ते के ब्लो ड्राई हुआ था। आपको किसने कहा कि लड़कियां ब्लो ड्राई करती हैं 3 दिन तक? मैंने सुना था कहीं से, करीब से मुझे आवाज आई थी कि मैंने कल ही तो ब्लो ड्राई करवाया था। तुम ऐसी तो ना थी। लेकिन ये रोज आप कह रही शैम्पू करते हैं? हां बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी भी रूटीन ऐसी है, यू नो हम भी वर्किंग भी होते हैं, यू नो तो करना पड़ता है।